यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बसपा और इनेलो गठबंधन के बाद दोनों दलों की पहली संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला के मुताबिक बसपा प्रमुख मायावती के नेतृत्व में देश में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि तीसरा मोर्चा बनेगा और देश की अगली प्रधानमंत्री बहन मायावती होंगी। और गठबंधन की इस बैठक में 5 प्रस्ताव भी पारित किए गए। अभय चौटाला ने कहा कि एसवाईएल के सामने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पश्चात आज तक प्रदेश सरकार ने हरियाणा में एसवाईएल का पानी लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, जिस कारण इनेलो बसपा गठबंधन को मजबूत होकर 1 मई से जेल भरो आंदोलन शुरू करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि 1 मई को भिवानी में जेल भरो आंदोलन के दौरान सरकार ने कार्यकर्ताओं के लिए बनाई गई खुली जेल में कोई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई। अब 4 मई को यमुनानगर जिले में जेल भरो आंदोलन के दौरान जब तक सरकार लिखकर नहीं देगी कि वो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा नहीं करवा सकती, तब तक गठबंधन के कार्यकर्ता रिहा नहीं होंगे। ये दिशा निर्देश